बिहार दैनिक न्यूज चैनल पर मैं अमलेंद्र कुमार आप सभी सब्सक्राइबर का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान यह कहा कि बिहार का जो बजट है, बजट में जो शिक्षा का बजट बनता है, उस बजट का 90% भाग बिहार के शिक्षकों के वेतन पर खर्च होता है। साथ ही उन्होंने शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से समान काम समान वेतन का फैसला आ जाएगा तो उसके बाद जल्द ही हम बिहार में जितने भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उस रिक्त पद पर शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। चलिए मैं आपको सीधे उस वीडियो को दिखाता हूं जिसमें सुशील मोदी ने न्यूज 18 पर ये सारी बातें कही है। देखिए, जहां तक शिक्षकों के रिक्तियों का सवाल, अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनके वेतन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, बहस हो चुकी है, केवल फैसला आना बाकी है। हम उनके निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और उनके निर्णय आने के बाद जो रिक्तियां हैं उनको हम भरने का काम करेंगे, क्योंकि जो विवाद है उनके वेतन को लेकर कि उनको कितना वेतन मिलना चाहिए, तो उस पर बहुत सारी चीजें प्रभावित करेंगी। इसलिए जैसे ही वो निर्णय आता है, वो जितनी रिक्तियां शिक्षकों की, और देखिए हमारा जो 34,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है उसके अंदर 90% तो केवल वेतन पर खर्च हो रहा है। हम वेतन पर, पोशाक पर, साइकिल योजना पर, ये सवाल है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से समान काम समान वेतन का फैसला आएगा तो हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।